नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस टू कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पितृदोष के ऊपर ऐसी जानकारी देने वाला हूं, आप अगर ये उपाय श्राद्ध पक्ष में आप विधिवत इन उपायों को करेंगे तो आपकी जन्म पत्रिका में बनने वाले पितृदोष का शमन हो जाएगा, पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। बेवजह जो आपके जीवन में परेशानी आ जाती हैं, उलझने आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं से आपका नितांत हो जाएगा, उन समस्याओं से आपका छुटकारा हो जाएगा अगर आप श्राद्ध पक्ष में विधिवत इन उपायों को करते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में बनने वाले पितृदोष का निवारण हो जाएगा। मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा पितृदोष पर, इसका निर्माण जन्म पत्रिका में कैसे बनता है। जन्म पत्रिका में जब भी सूर्य, मंगल, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा ये ग्रह जब भी पीड़ित होते हैं, यानी कि पीड़ित किस अवस्था में होते हैं, या तो ये नीच अवस्था में रहते हैं या इनके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है, राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ जाती है, तो जब ये ग्रह इन ग्रहों को पीड़ित कर देते हैं या इनके साथ युक्ति बना देते हैं, जैसे कि सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ गए, सूर्य के साथ राहु बैठ गए, सूर्य के साथ केतु बैठ गए, तो ऐसे में आपकी जन्म पत्रिका में बन जाता है पितृदोष। देवक गुरु बृहस्पति के साथ शनि की युक्ति हो गई, राहु की युक्ति होगी, केतु की युक्ति हो गई, ऐसे में भी बन जाता है पितृदोष। मंगल के साथ राहु की युक्ति हो गई, शनि की युक्ति हो गई, केतु की युक्ति हो गई, इन ग्रहों के साथ युक्ति हो गई तो बन जाता है पितृदोष। चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति होगी, सूर्य की युक्ति हो गई, शनि की युक्ति हो गई, केतु की युक्ति हो गई तो बन जाता है पितृदोष। कहीं से भी इन ग्रहों को पर पापक ग्रहों की दृष्टि या इनके साथ में योग के साथ, इन ग्रहों के साथ योग में आपकी जन्म पत्रिका में ये ग्रह बैठे हुए हैं तो बन जाता है पितृदोष। विशेषकर लग्न में, चौथे भाव में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दशम में अगर ये योग बनता है तो पूर्णतः आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष बनता है। पितृदोष के लिए मैं आज ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जिसको विधिवत करने से आपकी जन्म पत्रिका में बनने वाले पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष आएगा। श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को विधिवत तर्पण देंगे तो आपके जन्म पत्रिका में बनने वाले पितृदोष का शमन हो जाएगा, आप इस दोष से छुटकारा पा लेंगे। देखिए, जब किसी जातक का जन्म होता है तो वो जन्म से ही तीन ऋण लेके पैदा होता है, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। तो इन तीनों ऋणों से मुक्त वो व्यक्ति एक साथ हो जाएगा अगर जो श्राद्ध पक्ष में विधिवत तर्पण करेगा। ज़्यादातर सभी लोगों की मैं आदत देखता हूँ कि लोग अपने घरों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनको ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन करवा करके और सामर्थ्य अनुसार उनको दक्षिणा दे करके उनको विदा कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, सिर्फ भोजन करवाने से ही आपके पितर प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। अगर आप विधिवत किसी योग्य ब्राह्मण से, जो गुरुकुल से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, योग्य ब्राह्मण हैं, जिन्होंने संस्कृत के बारे में जानते हैं, उन ब्राह्मणों को अपने घरों में बुलाएं और ब्राह्मणों से विधिवत अपने घर में श्राद्ध पक्ष में पूजन करवाएं। पूजन का मैं आपको विधान बता देता हूं। सर्वप्रथम आप आचमनी करेंगे और उसके बाद आप मार्जन इत्यादि करके आप अपने को पवित्र करेंगे। उसके बाद आपने संकल्प किया कि मैं देवताओं को, ऋषियों को, दिव्य मनुष्यों को और पितृ देवताओं को और स्व माने अपने पितरों को तर्पण देता हूँ जो मेरी जन्म पत्रिका में
पितृदोष बना है, इस त्रिदोष का शमन हो जाए, इस पितृदोष से मैं मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार आपने संकल्प करना है। पूजन में सर्वप्रथम आपने देवताओं को तर्पण देना है, फिर ऋषियों को तर्पण देना है, फिर दिव्य मनुष्यों को तर्पण देना है, उसके बाद पितृदेवताओं को तर्पण देना है, और उसके बाद अपने पितृ यानी कि अपने कुल के सभी पितरों को तर्पण देना है। उसके बाद दिशाओं का पूजन करके, दिशाओं को तर्पण देकर, सूर्य भगवान को तर्पण देकर, ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण भगवान सवित्र सूर्य को तर्पण देकर के आपने अंत में जो भी आपने क्रिया की, जो भी आपने दान पुण्य किया, उसके बाद उस दान पुण्य को, उस तर्पण को भगवान वासुदेव जनार्दन भगवान नारायण को अर्पण करना है। इस प्रकार अगर आप अपने घर में योग्य ब्राह्मणों से श्राद्ध पक्ष में विधिवत पूजन कराते हैं तो आपके जन्म पत्रिका में जो पितृदोष बना हुआ है उसका शमन हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की उलझनों से आप मुक्त हो जाएंगे। धन की समस्या है, धन की समस्या से मुक्त हो जाने, घर में रोग लगा हुआ है, रोग की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अचानक कोई समस्या आ जाती है घर के अंदर, उस समस्या से आपका छुटकारा हो जाए। किसी प्रकार से भी आपके घर में कोई भी समस्या है, उलझने हैं, अगर आप विधिवत पितृ तर्पण करते हैं यानी कि देवताओं को, ऋषियों को और दिव्य मनुष्यों को और पितरों को और अपने कुल के पितरों को तर्पण देते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में बनने वाला पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।